Today's topic, how to draw a face front view, pencil shading. How to draw how to draw a face how to draw a face front portion. Front view. Front view pencil shading.
So, how to draw a face front view pencil shading. So, this is the topic. ये टॉपिक के ऊपर अभी हम तुम लोग को फेस कैसे बनाना है इसमें हम जाएंगे. सो दिस द टॉपिक हाउ टू ड्रॉ ए फेस फ्रंट व्यू पेंसिल शेडिंग. सो अभी टॉपिक में हम चल रहे हैं. सो टॉपिक में अभी हम आ गया है. फर्स्ट तुम लोग को देखो पेपर का दोनों साइड गैप जो है उसको बीच में एक तो स्ट्रेट लाइन खींचना है. तो पहले हम एक तो स्ट्रेट लाइन हम खींच देते हैं. उसको बाद क्या करना है इसी से जो गैप इतना है डॉट से ये गैप इज सेम. सो इसी को ऊपर एक ठोक लाइन खींच रहा है. इसी को ऊपर एक ठोक लाइन खींच रहा है. सो वन टू थ्री दिस पर्सन दोनों साइड में पहले हल्का से स्ट्रेट लाइन खींच लो इधर भी. दोनों साइड लाइन इक्वल गैप हो गया. दिस इज हेड पोर्शन और दिस पोर्शन इज आई. दिस इज आईब्रो. ये आईब्रो पोर्शन और ये हो गया आई पोर्शन. दिस इज आई पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज नोज. ये पोर्शन तुम्हारा नोज है. सो लाइन पूरा स्ट्रेट कर दो. नोज हो गया. दिस पोर्शन इज लिप. दिस इज द लिप एरिया. और लास्ट पोर्शन जो है ये है लिप का पर चेक. सो दिस इज द ग्रैप. फर्स्ट है नंबर वन नंबर टू नंबर आई थ्री फोर नोज दिस वन इज लिप. फाइव दिस वन इज लास्ट नाइन. सो दिस इज द ग्रैप. अभी तुम देखो ये है हेड पोर्शन. ये हो गया तुम्हारा हेड पोर्शन. हेड पोर्शन हम ओवल लाइन पहले हम खींच लेते हैं राइट. दिस इज द ओवल लाइन. उसको बाद ये लाइन देखो हम ऐसे खींच के ये लाइन में हम ऐड किया है. सो पहले तुम लोग को बढ़िया से डिवाइड करना है जो भाग है. फर्स्ट मिडिल लाइन उसको बाद दिस लाइन उसको बाद ऐसा डिवाइड करना है. आई है नोज है हेड है.
This is the head portion. This is head portion. Head. So, इधर से हम लाइन देखो हेड हेयर हम बना लेते हैं, इसी में भी हम हेयर बना लेते हैं. ओके हेयर पोर्शन इधर से शुरू होगा, इसको भी हेयर पोर्शन, so this is neck portion. So clear. अभी हम चल रहे हैं eyebrow. First eyebrow कहाँ से शुरू होगा, इधर से इतना तक eyebrow में हम चल रहे हैं. इधर भी आईब्रो बना लो. आई पोर्शन दोनों तरफ इक्वल गैप में होगा. ये हो गया आई पोर्शन. इसी में आई बना लो. Eyeball is here. So, दोनों आई हो गया. अभी आई का ऊपर एक आईब्रो लाइन रहेगा. This. अभी नोज तुम लोग को देखो. नोज. This is the front view nose. नोज हो गया. अभी नोज का लाइन हम खींचते. And then lip portion. Lip portion, this is middle line. So, पहले हम middle line का काम कर लेते हैं. Middle line खींच लेते हैं. जितना तक तुम्हारा gap है, उसी के अंदर में lip रखना है. See. So, lip का ऊपर portion और नीचे portion lip. See. So, this portrait का आउटलाइन स्केच इज नाउ कंप्लीट. अभी तुम लोग को शेडिंग बारे जाना है. शेडिंग दिस द नंबर इज 3. ये तुम लोग को मालूम है कहाँ को नंबर होगा. फेस में 1 हो जाएगा. सो पहले हम ग्रैप लाइन को हटा देते हैं. जो ग्रैप लाइन हम खींचा है इसको पहले हम हटा देते हैं. इसको अभी जरूरत नहीं. सो जितना ग्रैप लाइन है हम हटा दिया. अभी इसमें शेडिंग में हमको जाना है. शेडिंग नंबर इज 3 3 1. इसमें 3 हो जाएगा. इसमें भी 3 होगा. दिस वन ऑल्सो 3rd. ये भी 3. लिप में 2 कर दो. इसमें 3 1. सो इसमें 3. दिस इज 3 2 3. हियर ऑल्सो 3rd. दिस पर्सन इज 2. सो दिस इज द नंबरिंग.
अभी हम आई से पहले शुरू कर रहे हैं, दिस आई पोर्शन, आई पोर्शन से हम शेडिंग शुरू कर रहे हैं। सो आई पोर्शन थर्ड टोन या ऑल्सो थर्ड टोन, आई का डीप लाइन, पहले हल्का लाइन खींचो उसको बाद डीप करके इसको लाइन खींचना है। आईब्रो इसको थर्ड टोन, सो इधर भी आई डिप कर लो, ऊपर लाइन पहले डिप कर लो, दिस लाइन ज़्यादा डार्क होगा। सो दिस पर्सन शेडिंग कर लो, इसको भी डार्क हो जाएगा, दिस पर्सन ऑल्सो डार्क। सो आई ब्रू का ऊपर लाइन डार्क कर दो एंड देन आईब्रो इज थर्ड टोन। आईब्रो का नंबर क्या है? थर्ड। सो ज़्यादा डार्क बनाना पड़ेगा, ज़्यादा डार्क होगा। सो दिस वन कंप्लीट। नोज का देखो, दिस पोर्शन इज थर्ड, ये ऑल्सो थर्ड, नोज हो गया। एंड देन लिप पोर्शन, बीच का लाइन पहले डिप कर लो, लिप का बीच का मिडिल लाइन जो है लिप, उसको पहले डार्क बनाओ, उसको बाद टू टोन कर दो इसी के ऊपर। नंबरिंग इज टू। और इसको भी नंबरिंग थर्ड वन, दिस इज थर्ड, दिस पोर्शन इज वन, वेरी लाइट टोन, फर्स्ट टोन। सो लिप पोर्शन शेडिंग मेरा कंप्लीट हो गया। अभी हम चल रहे हैं देखो फर्स्ट टोन में, फर्स्ट टोन। सो पहले हम फर्स्ट टोन में चल रहे हैं, फेस का फर्स्ट टोन हम पहले बना लेते हैं। आई का अंदर में व्हाइट पोर्शन में शेडिंग नहीं जाएगा, व्हाइट रहेगा। छोटा छोटा स्ट्रोक में, स्मॉल स्ट्रोक में शेडिंग करके चलो, क्योंकि फर्स्ट टोन बहुत इम्पॉर्टेंट टोन है, वेरी लाइट। और व्हाइट भी ऑफ करके जाना है, किसी में व्हाइट नहीं देखना चाहिए। सो फर्स्ट टोन फेस में देखो, चारों तरफ हम फर्स्ट टोन कर दिया है। अभी इसी में देखो हेयर पोर्शन, इसको लाइन थोड़ा हम डार्क कर देते हैं। सो दिस लाइन आउटलाइन ऑल्सो डीप कर देता है।
सो ईयर का नंबर देखो थर्ड, इसको थर्ड कर दिया है, इसी भी थर्ड हो जाएगा। और अभी हेयर नंबर इज थर्ड, सो हेयर का नंबर अभी हम थ्री टोन कर देते हैं। ज़्यादा फास्ट मत करो क्योंकि वो थोड़ा प्रेशर देके थर्ड टोन बनाना है। छोटा छोटा स्ट्रोक से इस तरफ शेडिंग करके चलो, और पेंसिल भी दबना है, थोड़ा दब के पेंसिल थर्ड टोन करना है, तब तो ज़्यादा डार्क होगा। सो हेड का थर्ड टोन इज नाउ कंप्लीट, हेड का थर्ड टोन मेरा कंप्लीट हो गया। छोटा छोटा स्ट्रोक में डीप करके चलो, ज़्यादा पेंसिल फास्ट मत चलो। सो अभी नेक पोर्शन जो है इसको भी हम थोड़ा थर्ड टोन कर देते हैं। इसको भी थोड़ा थर्ड टोन कर देते हैं। ये ऑल्सो थर्ड टोन। And then second tone, this portion is second tone. व्हाइट पोर्शन पहले ऑफ कर दो, जितना व्हाइट निकल रहा है उसमें उसी के ऊपर और एक बार पेंसिल चला दो, तब ऑफ हो जाएगा। सो पोर्ट्रेट का जो लाइन जो है, दिस वन इज क्लियर। सो तुम चाहते हैं तो हेयर इसको थोड़ा और भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, दिस टाइप हेयर थोड़ा आगे बढ़ा दो। इसी में थोड़ा इसको भी थोड़ा बढ़ा दो, इसको थोड़ा आगे कर दो। सो फर्स्ट तुम लोग को इसको हल्का से स्मार्ट भी कर सकते हैं। जब फर्स्ट टोन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, हाथ से उंगली से इसको मिक्सअप कर दो, चारों तरफ हल्का से उंगली से मिक्सअप कर दो, तो ये मिक्सिंग हो गया, बढ़िया से मिक्सिंग हो गया। सो दिस वन इज शेडिंग 3-1, the shading is 3-1.
So 3-to-1 shading में तुम्हारा फ्रंट व्यू पोर्ट्रेट इज नाउ कंप्लीट. इसको नंबरिंग इज 2. So this person is head, so this one number 2, this number I is 3, nose, lip, five. So head is 1, 2, 3, 4, and 5. So this that portrait, front view portrait is now complete. ओके तुमने शेडिंग बढ़िया से करेंगे. 3-to-1 जैसा हम शेडिंग करिए. दिस इज द 3, दिस पर्सन 1 एंड 2 कहाँ कहाँ है दिखना है. कुछ कुछ पर्सन में 2 ऐसा भी कर सकते हैं. दिस इज 2, ये ऑल्सो 2, आई पर्सन दिस साइड ऑल्सो 2 करके छोड़ दो. दिस इज द शेडिंग पर्सन, ये ऑल्सो 2. नोज पोर्शन नीचे वाला हल्का से डार्क करके ऊपर लाइट कर दो. लिप पोर्शन एक शैडो देखो, हल्का से शैडो रहेगा सबको ह्यूमन फेस में कर देगा. या ऑल्सो सम शैडो, सेकेंड टोन का शैडो कर दो. धीरे धीरे रियलिस्टिक हो जाएगा बात में. पहले तुम लोग को बेसिक जो है वो पहले तुम लोग को काम करो, उसके बाद में कैसे शेडिंग रियलिस्टिक होगा हम बता देंगे. ओके, थैंक यू.